सावन के महीने का आरंभ 22 जुलाई 2024 सोमवार से हो रहा है और इसका समापन 19 अगस्त 2024 को होगा। रक्षाबंधन का त्यौहार भी इसी दिन मनाया जाएगा, यानी कि 19 अगस्त को ही मनाया जाएगा। इस बार सावन के महीने में 5 सोमवार पड़ेंगे, जो बेहद शुभ माने जा रहे हैं और इस बार कुछ ऐसे शुभ योगों का संयोग बन रहा है। 22 जुलाई को सावन के आरंभ होते ही प्रातः 5:37 से लेकर रात्रि 10:21 तक सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। वहीं प्रीति योग जो 21 जुलाई को रात्रि 9:11 पर शुरू होगा और 22 जुलाई को शाम 5:58 पर समाप्त होगा। तीसरा योग आयुष्मान योग है, जो शाम 5:58 से आरंभ होकर 23 जुलाई को दोपहर 2:36 पर समाप्त होगा। आइए जानते हैं सावन सोमवार की तिथियां। 22 जुलाई 2024 पड़ेगा पहला सोमवार, 29 जुलाई 2024 दूसरा सोमवार, 5 अगस्त 2024 तीसरा सोमवार, 12 अगस्त 2024 चौथा सोमवार, 19 अगस्त 2024 पांचवा सोमवार। दोस्तों, सावन का महीना शिव भक्तों के लिए प्यार की सौगात लेकर आता है। सावन का हरेक दिन बहुत ही शुभ माना जाता है, हर दिन पवित्र होता है, हर दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है, लेकिन सोमवार के व्रत की तो बात ही कुछ और होती है। दोस्तों, सच्चे दिल से लिखे हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, ऐसे में हम जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे कि भगवान शिव नाराज ना हो, और सावन व्रत में ये फल तो कभी मत खाना, नहीं तो भगवान भोलेनाथ बाबा आपसे क्रोधित हो सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसी सावधानियां जिसे भूलकर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, नंबर एक, शास्त्रों में कहा गया है कि व्रतधारी को उधार मांगकर फल आदि नहीं खाना चाहिए, इससे पाप लगता है और व्रत अधूरा रह जाता है। सोमवार का व्रत हो या कोई और व्रत ही क्यों ना हो, पड़ोसियों से मांगकर भी व्रत आदि में फल वगैरह नहीं खाना चाहिए। व्रत में उधार मांगकर खाने से व्यक्ति का व्रत टूट जाता है। ईश्वर की शरण में आने पर व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, कर्ज नहीं लेना चाहिए, चुगली आदि नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, नंबर दो, सोमवार का व्रत हो या सावन का व्रत, आपको नाशपाती नहीं खानी चाहिए। दरअसल इस फल का नाम नाश यानी नाश करने वाला होता है, इसीलिए इस फल को व्रत में नहीं खाना चाहिए। व्रत आदि को छोड़कर किसी और दिन आप इसे भी खा सकते हैं। भगवान को भी नाशपाती नहीं चढ़ानी चाहिए। दोस्तों, नंबर तीन, कुट्टू या सिंघाड़े का आटा खाने से भी आपका व्रत टूट सकता है। आपको बता दे, लंबे समय से रखा हुआ आटा आपका व्रत भंग कर सकता है। दरअसल पुराने आटे में गुण आदि कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं, जो ठीक तरह से दिखाई भी नहीं देते। ऐसा आटा खाने पर दरअसल आप मांस का सेवन करते हैं। सावन का महीना बड़ा ही पवित्र महीना माना गया है, इसीलिए ये 5 चीजें भगवान शंकर के पास कभी भी ना रखें। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, नंबर एक, जहां रखा हो शिवलिंग या महादेव की कोई भी प्रतिमा, तो वहां पर भूलकर भी चप्पल जूते लेकर नहीं जाना चाहिए। जरा सोचिए, जब आपके कमरे में कोई चप्पल लेकर प्रवेश करता है तो आपको कितना अधिक क्रोध आता है। इसी कारण से महादेव भी आपसे नाराज हो जाते हैं और आपको मिलने वाला फल नष्ट हो जाता है। ऐसे में मंदिर में नंगे पांव ही प्रवेश करना चाहिए। दोस्तों, नंबर दो, अक्सर महिलाओं को मासिक धर्म आ जाता है और वो बिना किसी को बताए ही पूजा पाठ कर लेती हैं, जो कि शास्त्रों में वर्जित माना गया है। इस समय महिलाओं को जानकर भी अनजान नहीं बनना चाहिए। ऐसे समय में शिवलिंग को छूना घोर पाप के बराबर माना गया है, इसीलिए महिलाओं को ऐसी अवस्था में मंदिर यात्रा, घर में पूजा पाठ, भगवान की प्रतिमा को छूना या तुलसी में पानी भी देना नहीं चाहिए। तुलसी का पौधा भी सूख जाता है। जब देव शक्तियां नाराज होती हैं तो लाजमी है कि घर में कंगाली और गरीबी, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, ऐसा कभी मत करना। दोस्तों, नंबर तीन, शास्त्रों में बताया गया है जहाँ होता है शिवलिंग तो वहाँ सभी शक्तियाँ सक्रिय रहती हैं। अगर घर में होता है शिवलिंग तो वो व्यक्ति महादेव की कृपा सदैव पा लेता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार शिवलिंग से हर वक्त ऊर्जा का संचार होता रहता है, इसीलिए शिवलिंग पर जलधारा हमेशा होनी चाहिए, जो ऊर्जा को शांत रखती है। कुछ लोग अपने घर में शिवलिंग तो रख लेते हैं, लेकिन वो एक हफ्ते के बाद जल चढ़ाते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। अगर आप जल नहीं चढ़ा सकते तो आप अपने घर में शिवलिंग स्थापित कभी भी ना करें, जो कि गरुड़ पुराण के बताया गया है कि इससे उल्टा घर में विनाश होता है। दोस्तों, नंबर चार, शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी और महादेव का बैर माना गया है, इसी कारण तुलसी में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा को नहीं रखना चाहिए। कई लोग जाने अनजाने में शिवलिंग को तुलसी में रख देते हैं और घर में परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं। दोस्तों, नंबर पाँच, घर का मंदिर या बाहर का मंदिर, किसी भी मंदिर में ऐसे व्यक्ति का प्रवेश नहीं करना चाहिए जिसने स्त्री प्रसंग अर्थात संभोग किया हो या उसने मांस खाया हो।
घर के बने मंदिर में कोई कपड़ा आदि डाल देना चाहिए। जरा आप ही सोचिए, क्या आप मांस खाकर या स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाकर भगवान के पास जाएंगे और क्या वो आपसे प्रश्न होंगे? बिल्कुल भी नहीं। वो आपसे क्रोधित हो सकते हैं, आपसे नाराज हो जाएंगे, इससे व्यक्ति नर्क में जाता है। ऐसा ना करें। ईश्वर के आगे हमेशा नहा धोकर मन पवित्र लेकर ही जाना चाहिए, इससे सभी शक्तियां आपसे प्रश्न रहती हैं। दोस्तों, सावन के महीने में महादेव को ऐसे बेलपत्र कभी मत चढ़ाना, बहुत ही अशुभ माना जाता है। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बेलपत्र चढ़ाने से शिवजी का मस्तक शीतल रहता है। बेलपत्र से शिवजी की पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है। इससे हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो शिव के ही अवतार हैं। दोस्तों, पहले आप ये जान लें कि बेलपत्र का उपयोग और इसके लाभ कैसे मिलते हैं। दोस्तों, नंबर एक, तीनों लोकों में जितने तीर्थ स्थल प्रसिद्ध हैं, वो सभी तीर्थ स्थल बेलपत्र के मूल भाव में स्थित माने जाते हैं। इस बात को शायद ही कोई जानता हो। दोस्तों, नंबर दो, यदि बेल का वृक्ष घर के बीचों बीच या फिर पूर्व दिशाओं में लगा हो तो घर में धन धान्य की कोई भी कमी नहीं रहती और परिजन खुशहाल रहते हैं। दोस्तों, नंबर तीन, जो व्यक्ति बेल के पत्र की मूल भाग के गंध पुष्प आदि से पूजा अर्चना करता है, उसे मृत्यु के पश्चात शिव लोक की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अब जानते हैं बेलपत्र से जुड़ी कुछ खास बातें। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या तिथियों को, संक्रांति के समय और सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। पूजा से एक दिन पूर्व ही बेलपत्र तोड़कर रख लें। दोस्तों, बेलपत्र में तीन पत्तियां होनी चाहिए। कटी फटी पत्तियों का बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित गलती से भी मत करना। दोस्तों, सावन के इस पावन महीने में अगर जिस व्यक्ति को पांच संकेत मिल जाए तो इससे ये पता चलता है कि महादेव आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है और आपको धनी होने से अब कोई भी नहीं रोक सकता। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं। नंबर एक, बैल का दरवाजे पर आना। नंदी महाराज भगवान भोलेनाथ के वाहन है। नंदी को भगवान शिव का द्वारपाल भी कहा गया है। लेकिन अगर सावन के इस पावन महीने में अचानक से नंदी महाराज आपके दरवाजे पर आ जाएं और घर की चौखट को सींग मारने लगे, तब आपको समझ लेना चाहिए कि भगवान शिव आपके घर में आने वाले हैं। दोस्तों, नंबर दो, सावन के पवित्र महीने में अचानक से आपके सपनों में अगर शिवलिंग दिखाई दे जाए, अर्थात भगवान शिव दिखाई दे जाए, तो इससे आपको ये समझना चाहिए कि आपके जीवन में परेशानियों का अंत जल्दी ही हो जाएगा। ऐसे में याद रहे कि शिव की भक्ति में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। घर को गंदा कतई मत रखना, क्योंकि आपके घर में भगवान शिव आने वाले हैं। दोस्तों, नंबर तीन, शास्त्रों के अनुसार माना गया है कि नीलकंठ भगवान शिव का प्रतीक है। अगर आपके घर में सावन के महीने में नीलकंठ छत पर आकर बैठ जाए तो उसे भूलकर भी मत भगाना, क्योंकि ये भगवान शिव का प्रतीक माना गया है। दोस्तों, नंबर चार, सावन के पवित्र महीने में अचानक से घर में काला सांप निकल आए तो बहुत ही शुभ माना गया है, इसे बिल्कुल भी ना मारे, ये भगवान शिव के आने का संकेत है। जिनकी भक्ति से महादेव प्रसन्न होते हैं, तब महादेव किसी खास अवसर पे ही अपने दर्शन देते हैं। अपने में किसी मंदिर में नाग नागिन का जोड़ा देखना बहुत ही शुभ माना गया है, ये घर में शिव के आने के संकेत हैं। दोस्तों, नंबर पाँच, सावन के शुभ अवसर पर सोमवार के दिन डमरू की आवाज सुनाई दे जाए, घंटियों की आवाज सुनाई दे, तो ये अत्यंत ही शुभ माना गया है। इसका अर्थ है कि भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न हैं और जल्दी आपके घर और जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। दोस्तों, महादेव की कृपा पाने के लिए एक बार भगवान शिव का जयकारा अवश्य से लगाएं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सावन का महीना बड़ा ही पवित्र महीना होता है। ये महापर्व पूजा भक्ति तथा शिव को समर्पित माना जाता है। इस महीने को प्यार का महीना भी कहा जाता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार सावन का महीना भारत में ही नहीं अपितु विदेशों में भी बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। सावन सोमवार व्रत रखने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अच्छे वर की इच्छा रखने वाले लोग सावन सोमवार का व्रत अवश्य रखें। जो भक्त सच्चे दिल से भगवान शिव को पुकारता है, भगवान भोलेनाथ उसकी हर इच्छा अवश्य पूर्ण करते हैं। एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव। दोस्तों, लेकिन क्या आप जानते हैं सावन के पवित्र महीने में पांच गलती नहीं करनी चाहिए? भगवान भोलेनाथ को तीन चीजें सोमवार के व्रत में नहीं चढ़ानी चाहिए। साथ ही साथ सावन में कौन कौन सी गलतियां करने से शिव नाराज होते हैं? दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में सुबह जल्दी उठना चाहिए, नहीं तो शिव नाराज हो जाएंगे। सावन के महीने में हरी सब्जियां दूषित हो जाती हैं, इसीलिए देखकर खाना चाहिए। उसमें कीड़े वगैरह हो सकते हैं जो आपके मुंह में जाएंगे और आप बीमार पड़ सकते हैं। सावन में बैंगन खाने से बचना चाहिए, भगवान शिव नाराज हो जाते हैं। इस पवित्र महीने में पति पत्नी को बिस्तर में थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। अगर आप संयम नहीं रखते तो भगवान शिव हमेशा हमेशा के लिए नाराज हो सकते हैं। सावन के पवित्र महीने में घर में रोना धोना नहीं चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए। भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं और आपको माला माल कर देते हैं।
दोस्तों सावन के महीने में गलती से भी मांस मत खाना, मदिरा मत पीना, लहसुन प्याज मत खाना। दरअसल इस पवित्र महीने में इन सब चीजों को खाने से व्यक्ति को पाप लगता है और नर्क में भी जगह नहीं मिलती। घर में किसी भी सदस्य को चुगली आदि नहीं करनी चाहिए, नफरत नहीं फैलानी चाहिए, घर में साफ सफाई रखनी चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए और रात में जल्दी सो जाना चाहिए। सावन के महीने में बाल, नाखून, शेविंग आदि नहीं करनी चाहिए, इससे आपको पाप लगता है और भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। सावन के महीने में मीठा बोलने वाले व्यक्ति को भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो जाती है, वो व्यक्ति जल्द ही करोड़पति बन जाता है क्योंकि उसके सर पर भगवान शिव का आशीर्वाद बन जाता है। सावन में जितना हो सके गरीबों की सेवा करें, भंडारे लगवाएं, गरीबों में कपड़े आदि बांटें। भगवान शिव उस व्यक्ति को पल भर में ही धनी बना देते हैं। सावन के इस पवित्र महीने में गरीब को खाली हाथ ना जाने दे, गूंगे जीव को भोजन अवश्य करवाएं। क्या पता उस गरीब के रूप में भगवान शिव हो या फिर उस जीव के रूप में भगवान शिव आपकी परीक्षा लेने आए हो। ईश्वर किसी भी रूप में आपकी परीक्षा लेने धरती पर आ सकते हैं। इसी के साथ ही क्या आप जानते हैं सोमवार के व्रत में ये फल कभी नहीं खाया जाता। अगर आप ये गलती करते हैं तो इसे आज ही छोड़ दें। अगर आप गलती से इस फल को खा लेते हैं तो जिंदगी भर भगवान शिव के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है, आपका व्रत भंग हो सकता है, यहाँ तक कि आपके परिवार पर संकट आ सकते हैं। कम से कम सोमवार के व्रत में ऐसा पाप कभी ना करें। शास्त्रों में कहा गया है कि व्रतधारी को उधार मांगकर फल आदि नहीं खाना चाहिए, इससे पाप लगता है और व्रत अधूरा रह जाता है। सोमवार का व्रत हो या कोई और भी व्रत क्यों ना हो, पड़ोसियों से मांग कर कभी व्रत आदि में फल वगैरह नहीं खाना चाहिए। व्रत में उधार मांग कर खाने से व्यक्ति का व्रत झूठा हो जाता है। ईश्वर की शरण में आने पर व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, कर्ज लेना नहीं चाहिए, चुगली आदि नहीं करनी चाहिए और उधार मांग कर भी नहीं खाना चाहिए। अगर आपको कोई अपनी मर्जी से कुछ खाने के लिए दे देता है तो उसे आप खा सकते हैं, लेकिन व्रत में कम से कम उधार मांग कर फल आदि नहीं खाना चाहिए, इससे पाप लगता है और व्यक्ति की पवित्रता भंग हो जाती है। दोस्तों चाहे कुछ भी हो जाए ये गलती कभी मत करना। शास्त्रों के अनुसार कुंवारी कन्याओं को शिवलिंग कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए, इसे पाप माना जाता है। और दोस्तों वहीं जिस व्यक्ति के मन में स्त्री के प्रति गंदे विचार हैं या वो व्यक्ति गालियां देता है तो भगवान शिव ऐसे व्यक्ति को नरक में भी स्थान नहीं देते, ऐसे व्यक्ति की पूजा कभी स्वीकार नहीं करते। दोस्तों कुंवारी लड़कियां व्रत को जरूर रखें, अगर पाना है महादेव जैसा पति तो इस व्रत को कुंवारी लड़कियों को जरूर रखना चाहिए। खास तौर से सावन में जब कोई कुंवारी कन्या इस व्रत को भली भांति पूरा कर लेती है तो यकीनन उसे महादेव जैसे पति की प्राप्ति अवश्य होती है। दोस्तों सावन के इस पवित्र महीने में अगर जिस व्यक्ति को 5 संकेत मिल जाएं तो इससे ये पता चलता है कि महादेव आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं और आपको धनी होने से अब कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों नंबर 1, बैल का दरवाजे पर आना। नंदी महाराज भगवान भोलेनाथ के वाहन है। नंदी को भगवान शिव का द्वारपाल माना गया है। नंदी महाराज को बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक भी माना जाता है। शिव के मंदिर के बाहर हमेशा नंदी महाराज विराजित रहते हैं, लेकिन अगर सावन के इस पवित्र महीने में अचानक से नंदी महाराज आपके दरवाजे पर आ जाएं और घर की चौखट को सींग मारने लगे तब आपको समझ लेना चाहिए कि भगवान शिव आपके घर में आने वाले हैं, क्योंकि ये उनके आने का एक संकेत है। भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं और आपके घर में खुशियाँ आने वाली हैं। आपको धनी होने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन याद रहे नंदी महाराज को तिलक लगाकर मीठा भोग जरूर खिलाएं। दोस्तों नंबर 2, सावन के पवित्र महीने में अचानक से आपके सपनों में अगर शिवलिंग दिखाई दे जाए अर्थात भगवान शिव दिखाई दे जाए तो इससे आपको ये समझ लेना चाहिए कि अब आपके जीवन में परेशानियों का अंत जल्दी ही हो जाएगा। भगवान शिव आपकी सच्ची आराधना भक्ति से खुश हैं और वो आपके घर में आने वाले हैं। ऐसे में याद रहे शिव की भक्ति में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। दोस्तों नंबर 3, शास्त्रों के अनुसार माना गया है कि नीलकंठ भगवान शिव का प्रतीक है। अगर आपके घर में सावन के महीने में नीलकंठ छत पर आकर बैठ जाए तो उसे भूल कर भी मत भगाना, क्योंकि ये भगवान शिव का प्रतीक माना गया है। ऐसे में आपको खुश होना चाहिए कि भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत खुश हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि नीलकंठ अगर मनुष्य के घर पर आकर बैठ जाए तो साक्षात घर में महाशिव के आने के संकेत माने गए हैं। दोस्तों नंबर 4, सावन के पवित्र महीने में अचानक से घर में काला सांप निकल आए।
तो बहुत ही शुभ माना गया है। इसे बिल्कुल भी ना मारे, ये भगवान शिव के आने का संकेत है। जिनकी भक्ति से महादेव प्रसन्न होते हैं, तब महादेव किसी खास अवसर पर ही अपने दर्शन देते हैं। दोस्तों नंबर 5, सावन के शुभ अवसर पर सोमवार के दिन डमरू की आवाज सुनाई देना, घंटियों की आवाज सुनाई दे जाए तो ये अत्यंत शुभ माना गया है। इसका अर्थ ये है कि भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न है, जिससे आपके जीवन से आर्थिक संकट दूर होगा और जीवन में सुख समृद्धि आएगी। महादेव आपसे बहुत खुश हैं। दोस्तों नमस्कार, ओम नमः शिवाय। सावन के पहले सोमवार यहां पर बांधे एक जोड़ा हरी चूड़ी 24 घंटे के अंदर में देखेंगे चमत्कार। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको सावन में सुहागन महिलाओं को क्या वो ऐसे कार्य है जो जरूर करने चाहिए, ये जानकारी आज हम आपसे शेयर करने वाले हैं। दोस्तों सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना होता है। सावन का पवित्र महीना भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का मास होता है। सावन का महीना गंगा जल की तरह पवित्र माना जाता है और इस पवित्र सावन के महीने में जो भी सच्चे भाव से, सच्चे मन से मैया पार्वती और भोलेनाथ की शरण में जाते हैं, उनकी हर मनोकामनाएं, हर इच्छाएं भोलेनाथ और माता पार्वती जरूर पूरी करते हैं। सावन मास में आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, मात्र पवित्र शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करने से भगवान भोलेनाथ आपके सभी कष्टों को समाप्त करते हैं। शिव पुराण में बताया जाता है कि सावन के पवित्र महीने में घर परिवार में किसी एक सदस्य को एक तांबे के लोटे में जल भरकर और उसमें थोड़ा गंगा जल डालकर शिवलिंग पर जरूर से चढ़ाना चाहिए। इससे भोले बाबा आपको धन से माला माल कर देते हैं, क्योंकि सावन मास में भगवान शिव धरती पर आकर अपने हर भक्त के घर में वास करते हैं। अगर आपके पास समय ना हो तो घर में किसी भी महिला को एक लोटा जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। दोस्तों भोले बाबा सच्ची भक्ति के भूखे हैं और आपसे कुछ नहीं मांगते। सच्ची भावना और सच्चे दिल से अगर उन पर आप जल अर्पित करोगे तो महादेव आपके घर में अपना स्थान बना लेते हैं। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि अगर आपके माता पिता नहीं है तो आप भगवान शिव को अपने माता पिता सच्चे हृदय से एक बार मान के देखिए, वो आपकी हर एक मुराद अवश्य ही पूरी करेंगे। भगवान शिव जगत पिता हैं। एक बार आप सच्चे हृदय से पुकार कर तो देखिए, शिव जी दौड़े चले आएंगे। दोस्तों अगर आप शिव जी से प्यार करते हैं तो सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखे ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के लिए एक लाइक तो बनता है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा लीजिएगा। दोस्तों सुहागन महिलाओं के लिए सावन का महीना बहुत ही ज्यादा खास होता है और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सावन सोमवार व्रत जितना महत्व रखता है, उतना ही माता पार्वती के निमित्त माता मंगला गौरी का व्रत हम सावन मास में करते हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए अपने जीवन में हमेशा सौभाग्य बना रहे, ऐसी कामना से सुहागन महिलाएं मंगला गौरी का व्रत सावन मास में जरूर करती हैं। दोस्तों सावन मास में माता पार्वती की उपासना से आपके जीवन में सुख सौभाग्य सदा ही बना रहेगा। पति की उन्नति तरक्की, उनकी आयु दीर्घायु होती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों सावन के मास में सभी भगवान भोलेनाथ व माता पार्वती की शरण में रहते हैं, लेकिन सुहागन महिलाओं के लिए कुछ कार्य ऐसे हैं जो पति की उन्नति तरक्की के लिए उन्हें जरूर करने चाहिए। दोस्तों आज हम आपको एक एक करके उपाय बताने वाले हैं। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले श्रावण मास में सुहागन महिलाओं को क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। दोस्तों सावन मास में भोलेनाथ की पूजा आराधना के साथ साथ माता पार्वती की पूजा भी आपको हर रोज करनी चाहिए, वो भी पूरे सावन मास में आप करें। आप कोई व्रत करें या ना करें, लेकिन हर रोज माता पार्वती को अगर सावन मास में आप सिंदूर और एक लाल फूल भी अगर आप अर्पित कर देते हैं तो आपके सुहाग की माता हमेशा रक्षा करती है। किसी भी प्रकार की अगर पति के स्वास्थ्य संबंधित समस्या हो तो आपको ये कार्य तो जरूर ही करना चाहिए। दोस्तों माता को एक लाल फूल रोजाना अर्पित करें, गुड़हल का फूल हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा, और लाल सिंदूर रोज माता को अर्पित करें और फिर अपनी मांग में भी सिंदूर जरूर भरें। ये कार्य आपको करना ही करना चाहिए और ये उपाय सभी के लिए है। दोस्तों अब जानते हैं दूसरा कार्य। सावन के महीने में आपको और सभी सुहागन महिलाओं को ये जरूर करना चाहिए। देखिए दोस्तों ये सावन का मास है, हरियाली का मास है, बारिश का मौसम भी होता है, हर तरफ हरा ही हरा इस समय दिखाई देता है, यानी साफ साफ कहा जाए तो इस मौसम को प्यार का महीना भी कहा जाता है, और ऐसे में हरे रंग का सावन के महीने में बहुत विशेष महत्व होता है। दोस्तों ऐसे में सावन के मास में सुहागन महिलाओं को हरी चूड़ियां, हरे कपड़े जरूर पहनने चाहिए। ऐसा करने से आपसे माता पार्वती भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं और उन्हें सदा सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद देते हैं।
है, उनके पति की दीर्घायु रहने का आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों इसीलिए आपको सावन के महीने में हरे रंग का उपयोग जरूर से करना चाहिए। चूड़ियों में करें, कपड़ों में करें, पर हरे रंग का इस्तेमाल जरूर करें। ऐसे में आप भगवा रंग भी पहन सकते हैं। लाल, पीला, हरा, गुलाबी तथा लाल रंग बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। इससे माता पार्वती अति प्रसन्न होती है। लेकिन याद रहे, सावन के पवित्र महीने में काला वस्त्र तथा सफेद रंग का कपड़ा सुहागन महिलाओं को नहीं पहनना चाहिए। सुहागन महिलाओं के लिए ये रंग अशुभ माना जाता है। दोस्तों तीसरा कार्य, सावन के महीने में किसी भी सुहागन महिला का गला खाली नहीं रहना चाहिए। खास तौर पर हर सुहागन महिलाओं को सावन मास में मंगलसूत्र जरूर धारण करना चाहिए। यदि आपके पास में अगर मंगलसूत्र उपलब्ध नहीं है तो आप अपने गले में मोतियों की चेन भी पहन सकती हैं। लेकिन सावन के मास में महिला का गला बिल्कुल भी खाली नहीं रहना चाहिए, और अगर मंगलसूत्र उपलब्ध है तो आपको मंगलसूत्र ही पहन लेना चाहिए। दोस्तों खास बात का ध्यान रखिएगा कि मंगलसूत्र कहीं से भी टूटा हुआ ना हो, गला हुआ ना हो। किसी भी प्रकार से अगर मंगलसूत्र में कोई भी दिक्कत है तो आप उसे फिर से अच्छे तरीके से तैयार करवा ले, और इसके बाद में उसे सावन के महीने में पूरे मास कम से कम आपको जरूर धारण करना चाहिए। दोस्तों चौथा कार्य, सावन के महीने में भूल कर भी किसी भी सुहागन महिला को काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इस बात का ध्यान आपको खास तौर पर रखना चाहिए। देखिए हम हर रंग के कपड़े पहनते हैं, पहनने भी चाहिए, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती। लेकिन सावन के मास में आप काले रंग के कपड़े ना पहने तो ही बेहतर है। आप अन्य किसी भी रंग के कपड़े पहने, लेकिन काले रंग के कपड़े तथा एकदम सफेद चटक कपड़े खास तौर पर सावन के महीने में इनसे दूरी बना ले। दोस्तों पांचवा कार्य, सावन के महीने में सभी विवाहित महिलाओं को, सभी सुहागन महिलाओं को इस बात का ध्यान जरूर से रखना चाहिए कि उनकी मांग हमेशा भरी रहे। दोस्तों सावन के महीने में सुहागन महिलाओं को अपनी मांग कभी भी खाली नहीं रखनी चाहिए। जो भी सिंदूर आप लगाते हैं, कोशिश तो ये करनी चाहिए कि जो आपके सुहाग का सिंदूर है, सावन मास में आप थोड़ा सा वो भी लगाएं। अगर आप वो पीला सिंदूर नहीं लगा सकते हैं तो आप कोई भी लाल सिंदूर अवश्य से लगाइए। अगर आप ऑफिस जाते हैं तो ऐसे में जो भी सिंदूर आप लगाते हैं वो जरूर से लगाइए। सावन मास में अपनी मांग कभी भी खाली ना रखें, ऐसा करना अशुभ होता है, तो आप इस बात का भी जरूर ख्याल रखिएगा। दोस्तों सावन मास में सिंदूर खरीदना, सिंदूर बांटना भी बहुत ही शुभ कार्य होता है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। सिंदूर से जुड़ा हुआ ये कार्य पति पत्नी के जीवन में प्रेम को बढ़ाता है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, घर में ग्रह कलेश नहीं होता। दोस्तों छठी बात, सावन के महीने में सुहागन महिलाओं के लिए वैसे तो 16 श्रृंगार बहुत ज्यादा शुभकारी होता है, जो कि हर महिला को खास मौके पर करना भी चाहिए। लेकिन अगर पूरे मास में नहीं कर सकते हैं तो ऐसे में सावन के महीने में जैसे हमने आपको बताया कि मंगलसूत्र, सिंदूर, इनका ध्यान रखें, और वस्त्रों के रंग का भी आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें। जो भी आप कपड़े पहनते हैं वो काले रंग के ना पहने। उसी प्रकार से आप अपने पैरों में बिछिया और पायल सावन में जरूर से पहनिए। दोस्तों देखिए घरों में जब महिलाएं पायल पहनती हैं तो बहुत ही शुभता आती है। पायल में जो घुंघरू होते हैं उनकी आवाज से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, माता पार्वती प्रसन्न होती है, और स्वयं आपके घर में पधारते हैं, आपके पति को आशीर्वाद देती हैं। तो ऐसे में सावन मास में आपको ऐसा जरूर करना चाहिए। आपके ऐसा करने से धन धान्य की कमी नहीं होती, तो ऐसे में खासकर अपने पैरों में बिछिया और पायल जरूर से पहन कर रखें। दोस्तों सातवां कार्य, सावन के महीने में सुहाग, जैसा कि हमने बताया कि सुहाग की सामग्री को खरीदना बहुत ही शुभ कार्य होता है। आप अपने लिए जितना भी हो सके सुहाग की सामग्री खरीदें, और हो सके तो सावन के पवित्र महीने में सुहाग की सामग्री दान अवश्य करें। आप चाहें तो रिश्तेदारों में बांटें, पड़ोसियों में बांटें तथा अपने परिवार में बांटें। अन्य लोगों को सुहाग की सामग्री जैसे सिंदूर, बिंदिया, हरी भरी चूड़ियां, बिछुआ, पायल, इस प्रकार की चीजें आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को दान देनी चाहिए या फिर उपहार में देनी चाहिए। लेकिन याद रहे अपने खुद का मेकअप कभी भी किसी को दान ना करें और ना ही किसी को दें। श्रृंगार आप नया ही खरीद कर बांटें। दोस्तों आठवां, सावन के महीने में मेहंदी। सावन के महीने में हर विवाहित महिला को, बल्कि सभी को हाथों पर मेहंदी तो कुंवारी कन्या भी लगाती हैं। आपको बता दें हाथों पर मेहंदी किसी भी महिला को जरूर रचवानी चाहिए। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है, माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसी सभी चीजें सुहाग की निशानी होती हैं, और सावन के मास में माता पार्वती की पूजा व आराधना के साथ साथ अगर हम इन कार्यों को करते हैं तो इससे माता हम पर प्रसन्न होती है और हमें मनचाहा आशीर्वाद देती है। दोस्तों ऐसे में आपको ये सभी आठों कार्य करने हैं, जो कि बहुत ही छोटे छोटे हैं और बहुत ही सरल और आसानी से आप कर भी सकते हैं। लेकिन ध्यान पूर्वक सावन के महीने में सभी सुहागन महिलाओं को इन कार्यों को जरूर से कर लेना चाहिए, नहीं तो सावन का पवित्र महीना अधूरा माना जाता है, आपका व्रत अधूरा रह जाएगा।